म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स। म्यूटेबल वेरिएबल का मतलब यह होता है वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होगी, जबकि इम्यूटेबल वेरिएबल वो होते हैं कि जिनकी वैल्यू विल नॉट हैपन इन प्लेस। ये इन प्लेस मैं आपको बताता हूं अभी। यानी कि कोई भी वेरिएबल अगर अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता या करता है, अगर वो कर सकता है तो उसे म्यूटेबल कहेंगे, और अगर इम्यूटेबल आप वेरिएबल कह रहे हैं तो वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं इस इम्यूटेबल वेरिएबल को, तो आपको इस वेरिएबल को दोबारा बनाना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा। जैसे आपने x को 5 दिया, अब हो क्या गया कि x रेफर कर रहा है ऐसी जगह जहां पर 5 रखा है, यानी x इज रेफरिंग टू 5। अब आपने क्या किया, y में x को डाल दिया, यानी x में क्या था 5 और y में आप मानेंगे कि ये 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ इसी जगह पे x भी पॉइंट कर रहा है और y भी पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ। अब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो इनिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने देखी है C++, इसमें अगर हमने y को असाइन कर दिया x, तो क्या हो रहा है कि वो x तो ये कर रहा है, y एक वेरिएबल बनता है, यहां पर 5 होता है, और y में अगर जैसे आप x की वैल्यू डालते हैं तो क्या हो जाएगा कि इसमें 5 आ जाएगी। यहां पर इस स्टेटमेंट में ये जो हमने किया, यहां पर x और y दोनों 5 को पॉइंट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। अगर हम x को x प्लस y बोलेंगे तो क्या आएगा, ये x इंटीजर है इम्यूटेबल टाइप, इसको आपने रीबिल्ड कर दिया। यानी क्या किया कि जब हमने x में 5 लिया और y में भी 5 डाल दिया, तो x प्लस y कितना हो गया 10। तो x को जब हमने 10 दिया तो इसको हमने रीबिल्ड किया। x इंटीजर है, इम्यूटेबल टाइप है, तो इसलिए इसको रीबिल्ड किया हमने। जो आपने स्टेटमेंट देखा, जो एक्सप्रेशन था दाएं हाथ पे, वो 10 बनाएगा और वो असाइन हो जाएगा x को, यानी x इज इक्वल टू x प्लस y। जब ने 5 और 5 जोड़ा तो x में आ गया 10, तो x रिवील्ड हो गया 10 में। अभी y में क्या है, y अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को। ये चीज आपको जाननी जरूरी है। अब जरा वेरिएबल के बारे में जब इतना हमने जान लिया, तो इसकी नेमिंग के बारे में देखें, वेरिएबल का नाम कैसे होगा और वो मीनिंगफुल होने चाहिए। पहली चीज तो नाम, आप उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी बड़ा दे सकते हैं आप। और a टू z, यानी स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल a टू कैपिटल z, 0 से 9 और अंडरस्कोर, ये ध्यान रखिएगा कि नंबर से शुरुआत नहीं हो सकती। यानी कि आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हैं और अंडरस्कोर ले सकते हैं। इनमें से किसी से भी एक को लेके आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कभी भी नंबर से शुरुआत नहीं है। जो कीवर्ड हम अभी बात करेंगे आगे, कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं बनाएंगे जो कीवर्ड हो, मतलब कीवर्ड का नाम और वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है, जब भी आप नाम दे वेरिएबल का, नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट देते हैं तो सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट दीजिए। इस तरीके से देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, इससे पता चल जाएगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रहे, कॉन्साइज रहे, मीनिंगफुल रहे। लोअर केस में लिखा जाता है, ये कन्वेंशन है, लोअर केस में हम लिखते हैं इसको।